अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं जुबैर शारिक। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। वेलफेयर कमेटी ने मजीद पुलिस मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए 9 लाख रुपए जारी कर दिए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का बिछड़ों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना दाता दरबार की हदूद से गुमशुदा होने वाले 3 बच्चे तलाश के बाद वालिद के हवाले कर दिए। पंजाब पुलिस में नई भर्तियों का अमल, लाहौर समेत 26 अजला में तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद। कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट की 7,909 असामियों पर 47,023 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। पंजाब भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 76,001 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,661 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 57,556 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,437 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 658 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाकोट की बड़ी कामयाबी, कैनेडियन नेशनल शहरी को कत्ल करने वाली बीवी आशना और साथियों समेत गिरफ्तार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया। वेलफेयर कमेटी ने मजीद पुलिस मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए 9 लाख रुपए जारी कर दिए। भावल नगर के ASI को बाईपास ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए, बाबर जमशेद खान को गुर्दों के इलाज के लिए ASI, अमजद खान को ओपेंडक्स प्रॉब्लम के इलाज के लिए, मुजफ्फरगढ़ के DSP सैयद रियाज हुसैन शाह को अहलिया के इलाज के लिए, ASI आशिक हुसैन मरहूम की अहलिया को घुटनों के इलाज के लिए 1-1 लाख रुपए, जबकि इंस्पेक्टर इरफान रजा और कांस्टेबल अकबर अली को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 70,000 रुपये फी कस दिए गए। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का बिछड़ों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। थाना दाता दरबार की हदूद से गुमशुदा होने वाले 3 बच्चे तलाश के बाद वालिद के हवाले कर दिए। बच्चों के वालिद की जानिब से 15 पर बच्चों की गुमशुदगी की इतला दी गई। एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर बच्चे मिलने की कॉल भी मौसूल हुई। बच्चे सेफ सिटी अथॉरिटी के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने दोनों मामलात का मुवाजना किया। तस्दीक के बाद दाता दरबार पुलिस स्टेशन के जरिए बच्चे वालिद के हवाले कर दिए गए। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर अब तक 5,000 से ज्यादा गुमशुदा अफराद को अपनों से मिलवा चुका है। शहरी किसी भी गुमशुदा शख्स की इतला 15 एमरजेंसी हेल्पलाइन पर दें। पंजाब पुलिस में नई भर्तियों का अमल, तहरीरी इम्तिहान का मरहला आ पहुंचा। कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट की 7,909 असामियों पर 47,023 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की 6,089 असामियों पर 36,570 उम्मीदवार इम्तिहान दे रहे हैं। ड्राइवर कांस्टेबल की 190 सीटों पर 11,063, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट की 1,630 असामियों पर 9,290 उम्मीदवार इम्तिहान दे रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सुपरविजन अफसरान को तमाम अजला की तहरीरी इम्तिहान इंतजाम की खुद निगरानी करने और इम्तिहान के इनका में मुकम्मल शफाफ और फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने की हदायत। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाकोट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कैनेडियन नेशनल शहरी को कत्ल करने वाली बीवी अशना और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने कैनेडियन नेशनल अली रजा को फायरिंग करके कत्ल करा दिया था और मौके से फरार हो गए थे। मुलजमान को CCTV कैमरों, IT एक्सपर्ट और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन मुगीज अहमद हाशमी का कहना था कि पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से गिरफ्तार मुलजमान को करार वाक सजा दिलवाई जाएगी। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 152, पंजाब यूनिवर्सिटी 144 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 140 रिकॉर्ड किया गया। तशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिनसे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई
सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस विजिट कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।